डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अनुप कुमार राय फ्रॉम रॉय डिफेंस एकेडमी। आज जो है मैंने आपको प्रतिशत की भाग सिक्स के बारे में पढ़ाएंगे। भाग फाइव तक हो चुका था, तो भाग सिक्स में जो है आपको खास करके जो परसेंटेज में कम बेसी होता है, कभी वृद्धि होता है कभी कम होता है, या डिस्काउंट में कभी छाट देता है, दो बार छूट मिल जाता है, या आपको आयत क्षेत्र की जो लंबाई बढ़ जाती है या घट जाता है, इसकी जो प्रतिशत है परसेंटेज है, इसमें कम ज्यादा जो होता है उसमें हम ट्रिक्स के साथ आपको सिखाएंगे और साथ ही दो चार क्वेश्चन और भी कराएंगे जो कि आपका सीजीएल में, रेलवे में या बैंकिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम उसमें भी आएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है किसी संख्या का, मान लो फॉर्मूला में क्या है, जब किसी वस्तु का रेट वस्तु का मूल्य में किसी वस्तु का मूल्य जो पहले ए परसेंट वृद्धि होती है और फिर बी परसेंट वृद्धि होती है, तो ऐसी क्षेत्र में जब पहले 1% बढ़ता है फिर 2% बढ़ता है, तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 इसकी प्रतिशत है, ये होगा। प्रश्न कैसे होगा देखिए, एक आयत की लंबाई में क्रमशः 15% तथा 20% की बढ़ोतरी होता है, तो क्या है उसकी क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी या ह्रास होगी, कितना क्या वृद्धि या ह्रास, वृद्धि या बढ़ जाएगी या कम होगी, ह्रास होगी कम होगी। क्वेश्चन देखो, किसी एक आयत क्षेत्र है, किसी एक आयत की लंबाई में क्रमशः 15% और 20% बढ़ जाते हैं, तो इसकी क्षेत्रफल में क्या होगी, तो हम सीधा इस फॉर्मूला में लेंगे, पहले 15% बढ़ेगी फिर 20% बढ़ेगी फिर 15 × 20/100 ये पूरे का प्रतिशत, यानी कि हम इसको करेंगे, इसके साथ ये काट देंगे तो 5 और ये करेंगे 3, यानी कि 38% का बढ़ोतरी होगा, 38% की वृद्धि होगी उसकी आयत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में कितना होगा 38% की वृद्धि होगा। ध्यान रखना है, अगर आंसर में प्लस आता है तो वृद्धि होता है, आंसर में माइनस होता है तो कम हो जाते हैं, घट जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, सेम फॉर्मूला है, किसी वस्तु में पहले वृद्धि होगी, अगर सपोज ये देखा जाए पहले वृद्धि और बाद में जो है 2% कम होती है, उसमें रेट में मूल्यों में 2% कम होती है, किसी वस्तु का मूल्य में पहले 1% बढ़ जाती है फिर 2% कम हो जाती है, तो फॉर्मूला क्या है, तो इस क्षेत्र में ए बढ़ जाती है और बी कम हो जाती है, तो यहाँ क्या होगा माइनस ए बी बाई 100 होगा, ये प्रतिशत ध्यान में रखना, फॉर्मूला वही है। इसमें क्या होता है, जैसे ए है
ये तो प्लस है, बी कॉम है तो माइनस है, और ये प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी परसेंटेज होगा। जैसे प्रश्न क्या है, प्रश्न है किसी आयत का आयताकार का आयताकार का आयताकार जमीन है, या किसी आयताकार की लंबाई, किसी आयताकार की लंबाई 5% वृद्धि और तथा चौड़ाई में 10% चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। क्वेश्चन क्या है, सेम किसी आयताकार है, ये इसको आयताकार बोलते हैं, इसको लंबाई में जो है 5% वृद्धि है और चौड़ाई में जो है इसका 10% की वो भी क्या है जो कम हो जाता है, ये प्लस 5 है माइनस 10% होता है, तो इसकी क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या है, फॉर्मूला ये है, ए है 5% वृद्धि है, माइनस बी 10% कमी है, तो माइनस ए बी मतलब 5 × 10/100 हम इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, तो ए माइनस बी माइनस ये, तो हम इस क्षेत्र में हम क्या करेंगे, इसके साथ 10 हो जाएगा, इसके साथ कितना 2 हो जाएगा, यानी कि इसके ये प्लस 5 है, ये माइनस 10 है, तो हम इसको माइनस 5 माइनस हाफ लेंगे, यानी कि सीधी सी बात है माइनस माइनस जो है 5.5% माइनस 5.5% की क्या होगा, कमी होगा। यहां पर आंसर क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल है इसमें माइनस इतना प्रतिशत की क्षेत्रफल में ह्रास होगा, मतलब कम हो जाएगा, माइनस है तो कम हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी का मूल्य ले लो, एक घड़ी का मूल्य या घड़ी की मूल्य में 30% कम हो गया, 30% कम हो गया और विक्रय में 20% बढ़ जाती है, विक्रय में 20% बढ़ गया है, तो क्या है इसमें, दुकानदार की आय प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन क्लियर है, अगर किसी घड़ी की 20% कम हो गया और घड़ी की मूल्य में 20% कम हो गया, तो जिसके कारण क्या हुआ, विक्रय में 20% बढ़ गया, तो इसके दुकानदार का आय प्रतिशत ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले क्या कम हो गया -30 प्लस ए बढ़ गया 20, फिर माइनस ए बी मतलब 30 × 20/100 इसको काट देंगे, तो कितना होगा, ये पूरा टा परसेंटेज है, इसमें क्या है -10% और -6 इसकी प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे -16% क्या है इसका कम होगी, घड़ी का दुकानदार का जो सेल है
उसमें माइनस है, माइनस होने से कम होगा 16% सेल में, मतलब उसके दुकानदार का विक्रय में कम होगा, है ना, कम। कम हो गई, ये आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 75 के साथ 75 के साथ 75 के साथ कौन सी संख्या का 70%, कौन सी संख्या का 75% जोड़ने से, जोड़ने से वही संख्या कितना में है, वही संख्या मिलता है, संख्या मिलता है। तो संख्या बताइए, क्वेश्चन दोबारा सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल एग्जाम में ये आया हुआ था अभी। 75 के साथ कौन सी संख्या जोड़ने से, 75 के साथ कौन सी संख्या का किसी, कौन सी संख्या का 75% जोड़ने से वही संख्या मिलता है। इसका मतलब यह है 75 के साथ कौन सी संख्या का 75%, माना कि x का 75% जोड़ने से क्या मिलता है, इसको जोड़ने से क्या मिलता है, वही संख्या मिलता है, वही का मतलब होता है x। ये है क्वेश्चन। तो यानी कि x का मान बताइए, x का मान बताइए। तो 75 से तो 75 है, प्लस ये क्या 75% मतलब x इंटू 75/100 इक्वल टू x। तो हम इसको इधर कर देते हैं, 75 इक्वल टू एक्स माइनस 75x/100, यानी कि एलसीएम क्या है, ये 100 है, तो 100x-75x यानी कि 25x/100। तो हम इसको लिख सकते हैं 70x इज़ इक्वल टू ये 7500 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हो जाता है ये बाय 25। तो इसके साथ इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3% यानी कि 300, x इज इक्वल टू 300। तो संख्या क्या है, संख्या है 300। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या, दो संख्या तीसरे संख्या से, तीसरे संख्या से, तीसरे संख्या से, दो संख्या तीसरे संख्या से 20% तथा 25% कम हो जाता है, कम हो तो पहला संख्या संख्या, पहला संख्या दूसरे संख्या से कितना कम है, पहले संख्या दूसरे संख्या से कितना कम है,
क्वेश्चन दोबारा ध्यान से सुनिए भाई, दो शंका है, तीसरे शंका से 20% और 25% कम हो, तो पहला शंका दूसरे शंका से कितना कम है, तो यानी कि तीन शंका है, एक दो तीन। क्रमशः क्या है, पहला शंका क्या 20% और 25, पहला शंका है 20% और दूसरा शंका क्या 25% है, तो 20% की क्या है कम है, कम है, कम है, पहले यानी कि तीसरा शंका अगर 100 है या जो भी है तीसरे शंका, अगर हम ये निकालते हैं जो 20% कम मतलब ये 80 है और दूसरे शंका है 75% कम यानी कि 75 है, ये 80% है, ये 75% है, 20% कम हो गया तो 80 हो गया, 25% कम हो गया तो 75 हो गया। अभी क्या बोला है, जो पहला संख्या दूसरे संख्या से कितना प्रतिशत कम है, पहला संख्या दूसरे संख्या से कितना प्रतिशत है, यानी कि डिफरेंस कितना 5%, तो 5% कम है 80 से, इसको 100 गुना कर देंगे यानी कि इसके साथ इसको काटेंगे तो ये 4 20 हो जाता है, ये 5 होता है, फिर 25 बटा 4 मतलब 4 6 24 और इधर 1 बटा 4, इतना प्रतिशत कम होता है, यानी कि इतना पहला प्रतिशत से पहला संख्या दूसरे संख्या से कितना कम होता है, पहला संख्या दूसरे संख्या से 6 1/4% कम होता है। उम्मीद है आप ये जो कितना कम जो सवाल कराया आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ जाता है अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना, थैंक यू बाय, नेक्स्ट आज मिलते हैं अगले ये से भाग से, थैंक यू।